नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी लेके आया हूं, जो कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो बच्चों को नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए बोर्ड ने बहुत ही ज़रूरी बदलाव किए। क्या है वो बदलाव और कितने बदलाव है, वो बदलाव आपके ऊपर या आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से इफ़ेक्ट करेंगे, यही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बात करते हैं हम पहले बदलाव की, जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में दो तरह के बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव तो है लैंग्वेज वाले पेपर में और दूसरा बदलाव है अदर सब्जेक्ट वाले जो पेपर हैं उसके अंदर। तो पहला जो बदलाव लैंग्वेज पेपर का है, उसमें अब क्या होगा कि 50% जो क्वेश्चन हैं, जितने भी टोटल क्वेश्चन होते हैं या जितने भी नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें 50% क्वेश्चन अब MCQs आएंगे। ठीक है, MCQs वाले क्वेश्चन जो है वो 50% आएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, तो 80 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से 40 नंबर के सिर्फ MCQs ही आएंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे भी आप इस समय MCQs टाइप के क्वेश्चन के ही एग्ज़ाम दे रहे हो, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो गई है और आप अब जो अपना फाइनल एग्ज़ाम है वो भी 50% क्वेश्चन उसमें MCQs ही आएंगे। इट मीन्स अगर देखा जाए तो 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो MCQs बेस्ड रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम अदर सब्जेक्ट की। अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते थे उसमें से अब 32 मार्क्स के, यानी कि अभी मैंने बताया था 50%, यहाँ बता रहा हूँ मैं 32 मार्क्स, यानी कि अगर 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें से 32 मार्क्स के जो है सिर्फ MCQs ही आएंगे। यानी कि 32 मार्क्स के जो मार्क्स के सिर्फ MCQs आएंगे, मतलब इसमें भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया है। अगर 32 नंबर के ओनली MCQs आएंगे तो आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है और बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट चेंजेस। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे बदलाव की, वो है सिलेबस का। सिलेबस में क्या बदलाव है अब वो बता देता हूँ। टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, पहले मैं टेंथ की बात करता हूँ। टेंथ में अभी तक आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में जो सेंट्रल बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उसने बोला था कि 30% जो आपका सिलेबस है वो डिडक्ट कर दिया गया है। और आपने देखा भी होगा, आ चुका है, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो कि 30% जो सिलेबस है वो डिडक्ट कर दिया गया है। लेकिन हाल ही में, यानी अभी 2-3 दिन पहले ही क्या हुआ कि क्योंकि अभी तक भी स्कूल नहीं लग रहा है और आगे भी कुछ महीने स्कूल लगने के चांसेस नहीं है, इसको देखते हुए 20% और भी डिडक्शन हो जाएगा। अभी तक 30% था प्लस 20% और भी डिडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स अब 50% जो सिलेबस है वो डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि अब आपको सपोज़ करिए कि नंबर ऑफ चैप्टर जितने थे उसमें से हाफ चैप्टर रह जाएंगे, आधे चैप्टर रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे ही चैप्टर को फुल तरीके से काट दिया जाएगा, हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट उसका काट दिया जाए, लेकिन पूरे सिलेबस का 50% सिलेबस जो है कट कर दिया जाएगा। ये क्लास टेंथ के लिए भी है। इसी टाइप से अगर क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो उसमें भी सेम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 30% पहले कट कर दिया गया था, 20% अब कट कर रहे हैं। इट मीन्स इसमें भी टोटल 50% जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, वो कट हो गए हैं। यानी कि आपको अब ओनली 50% सिलेबस का ही पढ़ाई करना है। ध्यान रहे, मुश्किल से 15 डेज़ के अंदर अंदर वो डिडक्शन जो हुआ है अभी 20% और का, वो भी आपका नेट पे डल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक इसमें से डिडक्ट कर दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बदलाव की, तीसरा बदलाव क्या हुआ है। तीसरा बदलाव जो कि बहुत ही ज़रूरी बदलाव और बहुत ही बड़ा बदलाव है, वो है एग्ज़ाम डेट की। तो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों ही एग्ज़ाम डेट अब कम से कम 1.5 महीने लेट शुरू होगा आपका पेपर। जो भी आपका पेपर होता था अब 1.5 महीने लेट शुरू होने वाला है। यानी कि अभी तक आपके 15 फरवरी या 1 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, होता था अभी तक, लेकिन अब 1.5 महीने और लगा लीजिए। अगर आप 1 मार्च से 1.5 महीने लगाते हो तो अप्रैल भी पूरा निकल जाता है, यानी
हाफ अप्रैल के बाद ही एग्ज़ाम शुरू होगा, यानी 15 अप्रैल के बाद ही आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम शुरू होंगे। अगर आप उस पर देखोगे, अगर आप साइट पर देखोगे तो उस पर ये लिखा कि मई से पहले एग्ज़ाम शुरू नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि अगर डेढ़ महीने लेट भी हुआ तो भी वो 15 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा, यानी एग्ज़ाम जो है वो 15th अप्रैल के बाद ही शुरू होगा। दोनों एग्ज़ाम, 10th के भी और 12th के भी, 15 अप्रैल भी हो सकता है या फिर वो 1st मई से भी शुरू हो सकता है। तो ये आपकी टेंटेटिव डेट है, मतलब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अभी तो कोर्स ही ख़त्म नहीं हुआ, फरवरी में अगर एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो कैसे चलेगा काम, लेकिन आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम लेट होना ही है क्योंकि अभी बहुत से स्कूलों में या बहुत सी जगह अभी फॉर्म तक नहीं भरा है बच्चों के और कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है, इस वजह से ये एग्ज़ाम की डेट जो है वो ऑलरेडी 1.5 मंथ एक्सटेंड कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, तो आपको 15th अप्रैल या फिर 1st मई से ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो पाएंगे, इसके पहले नहीं होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ बदलाव की, कि चौथा बदलाव क्या हुआ है। चौथा बदलाव है पासिंग क्राइटेरिया, चौथा बदलाव हमारा है पासिंग क्राइटेरिया कि इस बार क्या पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंज हुआ है क्या। तो यस, हम बात करते हैं 10th एंड 12th की। तो 10th में तो लास्ट ईयर ही उन्होंने चेंज किया था, क्या चेंज किया था कि लास्ट ईयर उन्होंने 10th में एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किया था जिसको हम कंप्यूटर के तौर पे ले रहे थे कि अगर कोई बच्चा मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, यानी कि साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में अगर फेल हो जाता है तो वो उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है, यानी कि इस प्रकार की चॉइस लास्ट ईयर थी 10th वाले बच्चों के लिए और बहुत सारे बच्चे इस वजह से पास हो गए। यही जो पैटर्न है वो अब 12th में भी यूज़ कर रहे हैं। 12th में भी जो बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेगा उसको उसके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट को वो रिप्लेस कर पाएगा। तो ये नया पासिंग क्राइटेरिया है कि 12th वाले बच्चे, पहले क्या होता था 12th के बच्चे अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो उसको फेल मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो उसका एडिशनल सब्जेक्ट है वो उस फेलिंग सब्जेक्ट को वो रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, यानी 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि उनके लिए एक जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है पास होने के लिए। तो ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि अभी CBSE बोर्ड ने किए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, इस कारण से ये चार बदलाव किए हैं। आगे भी अगर कोई नई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।